मुजफ्फर राणा की तरफ, मुझे नाम पता नहीं, मुजफ्फर राणा की बात करते हैं, मैं तो यूपी छोड़ दूंगा, यूपी तो रहने के काबिल नहीं रहा, यूपी तो मुसलमान वहां पे ठीक नहीं, सुरक्षित नहीं है। तो मुजफ्फर राणा जैसे लोग सत्कार योग, जिनके आगे मेरा सिर झुकता है शुरू से, वो ऐसी बातों का इस्तेमाल करेंगे। राणा साहब, मैं हाथ जोड़ के आपको कहना चाहूंगा, मैं भी तो एक आपकी तरह एक छोटा सा बच्चा हूं, मुझे को नफरत की निगाह से नहीं देखता है, मुझे नफरत की निगाह से वही देखता है जो तिरंगे झंडे का अपमान करेगा, मुझे नफरत से वही देखता है जो खालिस्तान जिंदाबाद कहेगा, मुझे हमेशा गलत वो कहेगा जो हिंदुस्तान के खिलाफ होगा। अगर आप ऐसे बयान देंगे हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, भाई कहां से मेरे से बहस कर ले, मैं उम्र में छोटा हूं, बहस कर ले, बता दें मुसलमान सुरक्षित है या नहीं है। इनके पिताजी ने पता नहीं कितने साल राज किया यूपी के अंदर, वही पुलिस थी उस वक्त, को डीएसपी होगा, आज को आईजी बना होगा। अखिलेश यादव जी वहां के मुख्यमंत्री रहे, वही पुलिस है, मायावती रही, वही पुलिस है, और आज उस पुलिस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, और हमारे जवान मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हैं, हमारी फोर्सेस जब कफन बांध करके हमारे लिए रक्षा करती है, तो हमारे सबके अंदर से एक ही बात निकलती है, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। हमें छिकवे गले हो सकते हैं नरेंद्र मोदी से, करने भी चाहिए, आजाद विचारधारा है, पर जहां प्रथम राष्ट्र का सवाल आ जाए, सबसे पहले राष्ट्र मातृभूमि पर ना। जिस व्यक्ति ने टेररिज्म को खत्म किया है, जिसने 370 धारा हटाई है, जिसने राम जन्मभूमि का निर्माण किया है, हम उसको कभी नहीं गलत कह सकते, बल्कि हम सुन भी नहीं सकते। हमें फक्र है अपने इस बहादुर योद्धे के ऊपर। मैं बार बार कहता हूं, मेरे अंदर से एक ही नारा निकलता है, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। असुम राजगुरु सुखदेव मंगल पांडे, उनकी रूह ऊपर से देख के हमारे जैसे राजनीतिक लोगों को देख के रोती है, तड़पती है। इस मातृभूमि के लिए हमने कुर्बानी दी थी, इस मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे को चूमा था, क्या भारत आजाद इसलिए छोड़ के गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अलकायदा संगठन धीरे धीरे पैर पसार रहा है, लेकिन विपक्षी दल जो है वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव और मायावती शक और संदेह कर रहे एटीएस और यूपी पुलिस, तो वही दूसरी तरफ मुनव्वर राणा जो बड़े शायर हैं, उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और अगर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं तो वो उत्तर प्रदेश को छोड़ के चले जाएंगे। सवाल ये है कि आखिर टेररिज्म पर क्यों राजनीति चाली है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपने शरीर का एक अंग तक ने उछाड़ कर दिया, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। जिंदा शहीद एमएस बिट्टा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, एक तरफ देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर अलकायदा संगठन धीरे धीरे पैर पसार रहा है, लेकिन अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि उन्हें एटीएस पर भरोसा नहीं है, उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो क्या उन्हें अलकायदा पर भरोसा? ये जो कहते हैं पुलिस के भरोसा नहीं, इनके पिताजी ने पता नहीं कितने साल राज किया यूपी के अंदर, वही पुलिस थी उस वक्त, को डीएसपी होगा, आज को आईजी बना होगा। अखिलेश यादव जी वहां के मुख्यमंत्री रहे, वही पुलिस है, मायावती रही, वही पुलिस है, और आज उस पुलिस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अलकायदा एक नाम होना, खतरनाक संगठन यूपी में पैर फसार रहा है, और श्री राम जन्मभूमि के हमला करने की प्लानिंग है, जहां पहले हमला हो चुका है, मथुरा कांची पे हमला करने की प्लानिंग है, और उसके ऊपर हम राजनीति करते हैं। अगर पुलिस ने को अच्छा काम किया है, राम जन्मभूमि पे हमला, मथुरा काशी पे हमला अगर बचा दिया है पूरे हिंदुस्तान को यूपी के अंदर, तो क्या उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। सर, क्यों हमेशा विपक्षी दल जो है इसका सपोर्ट करते हैं? बात पुलवामा अटैक की भी की जाए तो उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के कई नेता या कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा था कि मोदी सरकार क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी। आज जब कार्रवाई हो रही है तो ये कह रहे हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं। आपको स्पष्ट कह दूं, हम ना बीजेपी के हैं, ना हम नरेंद्र मोदी जी के सपोर्टर हैं, हम आजाद विचारधारा के व्यक्ति हैं, हम हमारे लिए प्रथम राष्ट्र, आज नहीं तो कल हमने इस दुनिया से जाना है, और हमारे जवान मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हैं, हमारी फोर्सेस
जब कफन बांध करके हमारे लिए रक्षा करती है तो हमारे सबके अंदर से एक ही बात निकलती है, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। क्या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अगर इनको गिला छिकवा है, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी क्या मुशर्रफ हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के कोई राष्ट्रपति हैं? नरेंद्र मोदी जी तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी रहे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रही, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, आज नरेंद्र मोदी जी। हमको राजनीतिक उनसे छिकवे गले हो सकते हैं, राजनीतिक परेशानियां हो सकती हैं, पर जो व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ वार अगेंस्ट टेररिज्म, वार एक ग्लोबल टेररिज्म, मेरा सवाल है आप, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर 7 साल के बाद जब से गवर्नमेंट बनी मोदी जी की, क्या दिल्ली में पार्लियामेंट जैसा हमला हुआ? कहीं कोई वाकया नहीं हुआ, बल्कि ये जरूर हुआ कश्मीर के अंदर 370 धारा हटी, कश्मीर के अंदर रोज जो हमारे जवानों की शहादतें होती थी, तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाता था, हर बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा झंडा है, 26 जनवरी या 15 अगस्त हो आने वाली तिरंगा ही तिरंगा होगा, ये करके दिखाया। हमें छिकवे गले हो सकते हैं नरेंद्र मोदी से, करने भी चाहिए, आजाद विचारधारा है, पर जहां प्रथम राष्ट्र का सवाल आ जाए, सबसे पहले राष्ट्र मातृभूमि, उसके लिए अगर कोई व्यक्ति करता है, बाकी नीचे क्या हो रहा है अपन से कोई लेना देना नहीं, आज नहीं तो कल हमने जाना है, करो छिकवे गले अपने, आजादी है आपको, पर बुरा मत कहो, अगर अच्छा नहीं कह सकते बुरा मत करो, अगर अच्छा किया है, सर्जिकल ऑपरेशन किया है, 370 धारा हटाई है, 500 साल का वो इतिहास दबा हुआ राम जन्मभूमि का निकाल करके उस जय श्री राम ने उनके ऊपर हाथ रखा है, किया है, तो बुरा मत कहो यार, ऐसा मत करो। अगला मिशन काशी और मथुरा होने वाला है, वो भी होगा, अगला मिशन जनसंख्या पे होने वाला है, ये क्या बिल वो अपने लिए ला रहे हैं? ये बिल जितने भी आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, ये आम लोगों के लिए आ रहे हैं, इसमें छिकवे के लिए करो, मैं फिर कहता हूं, पर ना, जिस व्यक्ति ने टेररिज्म को खत्म किया है, जिसने 370 धारा हटाई है, जिसने राम जन्मभूमि का निर्माण किया है, हम उसको कभी नहीं गलत कह सकते, बल्कि हम सुन भी नहीं सकते, हमें फख्र है अपने इस बहादुर योद्धे के ऊपर। सर एक बहुत बड़ा सवाल है कि टेररिज्म को लेकर देश में एक राय क्यों नहीं है, हर किसी की अपनी अलग राय है। अपन को अब किसी की राय की जरूरत नहीं है, जब हमारा हिंदुस्तान का योद्धा वो प्रधानमंत्री अपन को करके दिखा रहा है, अपन को रिजल्ट दे रहा है, राजनीतिक लोगों की राय हो या ना हो, पब्लिक की राय तो एक है, आतंकवाद के ऊपर पब्लिक या पॉलिटिकल पार्टी कोई भी एक मुझे बता दे, मैं फिर कहूं क्या 7 साल के अंदर दीनानगर पठानकोट की घटना के बाद 370 धारा हटने के बाद कहीं बार बार ऐसा को नुकसान हो रहा है इस देश के अंदर? क्या किसी बहन का सुहाग उजड़ रहा है? क्या कोई बच्चा यतीम हो रहा है? क्या रास्ते में जाते हुए को जा रहा है व्यक्ति अपने कारोबार में निकला हुआ सुरक्षित वापस आता है? पहले तो सुरक्षित वापस ही नहीं आते थे, ये क्या छोटी सी बात है? मैं तो एहसान फरामोश नहीं, मेरी लड़ाई शुरू से लेके आखिरी दम तक मेरी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और प्रथम राष्ट्र के लिए है, और उसमें हमें रिजल्ट दिख रहा है तो हम क्यों ना कहें? क्या हम जाके नवाज शरीफ की इमरान खान की तारीफ करेंगे? हम तारीफ भी नहीं करते, हम अच्छा भी नहीं कहते, हमने कहा जो किया है वो सामने देख लो, सामने देख लो, सामने दिख रहा है। अगर कोई बहस के लिए तैयार है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं एक एक शब्द बताऊंगा, मैं को ना सरकार का प्रवक्ता हूं, ना बीजेपी का प्रवक्ता हूं, ना नरेंद्र मोदी जी का प्रवक्ता हूं, मेरी तो बचपन से लेके आज तक लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। कहां रोज रात को हम रोया करते थे बंद कमरों में, जब जवानों की शहादत होती, जब ताज होटल पे 26/11 को हमला हुआ, मुझे दर्द पता है उन परिवारों के, मुझे उन बच्चों की पीड़ा को पता है, मैंने किस तरीके से जीना है, बंद कमरों में रोया करते थे, आज हम रोते नहीं है, आज हम फख्र करते हैं। हाँ, आज आतंकवाद के ऊपर नकेल कसी गई है, ये पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी बोलते रहे, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर हमेशा विपक्षी दल को क्यों दिक्कत हो जाती है किसी भी कानून से, चाहे वो धारा 370 की बात करें, उन्हें तिरंगे से भी दिक्कत है, उन्हें हर चीज से दिक्कत है। दो बातें, तिरंगा किसका है? आपका, मेरा, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का? क्या मैंने कभी कहा ये तिरंगा सिर्फ सिख समाज का है?
इसके लिए तो भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी थी, इसके लिए तो शहीद आजम उद्धम सिंह जी ने कुर्बानी थी, कुर्बानी दी थी चंद्रशेखर आजाद ने, कुर्बानी दी थी इस्तफाकुल्ला खान ने, कुर्बानी दी थी लाला लाजपत राय जी ने, संघर्ष किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। हम क्यों मध्यम धर्म की तरफ चले जाते हैं? ये मध्यम ये धर्म ये कुछ मैं बार बार कहता हूं, मेरे अंदर से एक ही नारा निकलता है, मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात वंदे मातरम। और सुबह उठ के भगवान के आगे रोज मेरी प्रार्थना होती है और आखिरी एक ही दुआ मांगता हूँ आपसे, एक ही आशीर्वाद मांगता हूँ ना, आखिर में मेरे मुंह से यही निकले, मेरा धर्म भारत माँ और मेरी जात वंदे मातरम और अपने चरणों में मुझे समा लेना, ये मातृभूमि को कहता हूँ मैं। जब हम यही कहते रहेंगे, हम तो हिंदू हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो सिख हैं, हम तो ईसाई हैं, तो फिर हम देश में कर क्या रहे हैं? मैं कह रहा हूं बार बार भाई, मेरे मुंह से मेरा कोई स्टेटमेंट आज तक सुन लीजिए, बचपन से लेके आज तक, चाहे 10 साल की उम्र हो, चाहे 20 की हो, 25 की हो, भारत माँ के चार सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक, मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात वंदे मातरम। तो मुझे आज पूरा हिंदुस्तान क्या मुझे दुनिया के अंदर ये कहते ये तो हिंदुस्तानी है, मुझे कवाड़ की किसी की जरूरत नहीं है, पर मुझे जब कहते हैं ये सरदार पक्का हिंदुस्तानी है, पक्का भारतीय है, इस भारत माता की मिट्टी पे ये जन्म लिया है और उसके गीत गाता है, मुझे वही फक्र होता है, मुझे खुशी होती है। हम जब इस तरफ चले जाते हैं, मुजफ्फर राणा की तरफ, मुझे नाम पता नहीं, मुजफ्फर राणा की बात करते हैं, मैं तो यूपी छोड़ दूंगा, यूपी तो रहने के काबिल नहीं रहा, यूपी तो मुसलमान वहां पे ठीक नहीं, सुरक्षित नहीं है। अरे यार, कौन से मुसलमान हमारे भाई हैं सुरक्षित नहीं है? पूरे हिंदुस्तान में सुरक्षित है, असूल कानून कायदे जरूर रखे हैं, जैसे आम व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को उठाता। मैं हूं ना, मैं कौन हूं? मैं सरदार हूं ना, सबसे पहले भारतीय फिर सरदार हूं ना। मैं फिर आपको सवाल पूछता हूं, क्या मुझे कोई कहेगा कि ये सरदार है? वो कहेगा सरदार है, पर साथ में फक्र से कहेगा सच्चा भारतीय है। तो मैं अगर पहचान मातृभूमि ने मुझे दी है तो दूसरा अपनी पहचान क्यों नहीं बनाता? दूसरा शक में क्यों कहता मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा? दूसरा ये क्यों नहीं कहता मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात वंदे मातरम? दूसरा ये क्यों नहीं कहता जब अलकायदा के लोग लखनऊ के अंदर यूपी के अंदर हमला करने की साजिश, मथुरा काशी पे आते हैं, तो वो उठ के क्यों उसका विरोध नहीं करते? वो उठ के अलकायदा के हक में को खड़े हो जाते? वो ये कहते हैं ये मुसलमानों पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। हर मुसलमान पे गलत इल्जाम नहीं लगाया जाता, जो गलत है वो उस पे लगाया जाता, पर जब उसकी ये पॉलिटिकल लोग वोट बैंक की खातिर जब उनकी मदद करते हैं, उनके लिए पीछे आ जाते हैं, तो फिर शक की सुई घूमती है। हमें हिंदुस्तान के अंदर जो मेरा एक अनुभव है, हर हिंदुस्तानी को, हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई, हर जात, हर धर्म, हर मजहब के व्यक्ति को हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जब बच्चा हर धर्म मजहब ये कहेगा मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात वंदे मातरम, हिम्मत नहीं है किसी की कि किसी को गलत तरीके की भाषा का प्रयोग कर दे। ये भाषा का गलत प्रयोग तब होता है जब तिरंगा झंडा रोता है, जब तिरंगे झंडे का टका जैसे लोग अपमान करते हैं लाल किला के अंदर, जब खालिस्तान के नारे लगते हैं, जब अलकायदा की पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, तो मातृभूमि भी रोती है, तिरंगा झंडा भी रोता है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुर्बानी शहादत देने वाले, फांसी के रस्ते को चूमने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, उनकी रूह ऊपर से देख के हमारे जैसे राजनीतिक लोगों को देख के रोती है, तड़पती है। इस मातृभूमि के लिए हमने कुर्बानी दी थी, इस मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे को चूमा था। क्या भारत आजाद इसलिए छोड़ के गए थे कि आपने भारत को मजहबों और धर्मों में बांट के रख दिया? उन्होंने कुर्बानी दी थी हिंदुस्तान के लिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इस्तफाकुल्ला खान, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख, उनका मजहब धर्म नहीं था, उनका मजहब धर्म एक था, मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात वंदे मातरम। चाहे वो इस्तफाकुल्ला खां थे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद थे या भगत सिंह जी थे, तो फिर हमने क्या किया? क्या हम उनके आदर्शों पे चले? वो तो हमारे आदर्श थे, ये भी हमारे आदर्श, खद्दर पहन के ये भी आदर्श, और ये खद्दर हमने अपमानित कर दिया, हमने दाग लगा दिया इस खद्दर के ऊपर। हमें रोज बड़े बड़े चैनलों के अंदर अपने गलों को पाड़ना पड़ता है,
और चैनल वाले भी बुलवाते हैं जोर जोर से, तमाशबीनी के अड्डे बन जाते हैं कई बार। तू बुरा, मैं बुरा, तू अच्छा नहीं, इसी चक्करों में टाइम निकल जाता। अरे आतंकवादियों के ऊपर टेलीविजन के अंदर बहस होगी, बड़े चैनलों में डिबेट होगी, सामने आतंकवादी पकड़े गए और हम मेरे जैसे लोग टेलीविजन पे हाथ जोड़ के सफाइयां देते, भाई ऐसा मत करो यार, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर, नहीं जी ये पुलिस ने गलत किया है, तो फिर क्या कहोगे? बेशर्मी की को हद होती है, हम बेशर्म लोग हो गए, हमारी चमड़ी मोटी इतनी हो गई कि हमें ये फिक्र ही नहीं कि राम जन्मभूमि पे हमला हो जाता क्या होता, मथुरा काशी पे हो जाता क्या होता, बकरी ईद के ऊपर इतना शुभ त्योहार है मुसलमान समाज में, हम सब उनको नमस्तक करते होते हैं, ईद के ईद मुबारक देते हैं, ये कोई नहीं सोचता। हमने तो इश्यू ढूंढने हैं, हमने तो मौके ढूंढने हैं, चुनाव आने वाला है, हर चीज को सही को गलत साबित करना है, ये हमारे में क्वालिटी है पॉलिटिशियनों की, वो हमने करना। सर हिंदुस्तान भी इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ हर धर्म के लोग हैं, लेकिन आपने बात की मुनव्वर राणा की, ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, ये हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का आप क्यों लापते हैं? देखो मेरी बात, मैं फिर कहूँ मुसलमान हमारा भाई है, मैं फिर कहूँ बार बार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने भारत को आजाद कराया, जो यहाँ पे है किसी कौम किसी मजहब किसी धर्म का है, वो इस मिट्टी में पैदा हुआ है मातृभूमि के, उसने मातृभूमि की मिट्टी को अपनाया है, पाकिस्तान अलग हुआ, जो इधर है ये उनका हक हिंदुस्तान है, पर हक जमाने के लिए भी हमारी तरह लोगों को निकलना तो पड़ेगा। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात बंदे मातरम, जैसे ही कोई अलकायदा के ये आतंकवादी यूपी के अंदर पकड़े जाते हैं, हमारे से पहले हिंदू समाज से पहले उस समाज से मेरी तरह, जैसे मैं निकला था खालिस्तान की मूवमेंट से, अगर सिख समाज के आतंकवादियों ने कौम को बदनाम करने की कोशिश की है, गलत किया, तो मैं गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, एक पापी सा सिख ने मैंने विरोध किया, भैया हमारे गुरुओं ने तो मजलूमों की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई थी, तो वो भी निकले अब्दुल हमीद की तरह, वो भी निकले इस्तफाकुल्ला की खां की तरह। अब्दुल हमीद कौन थे? यूपी के थे, गाजीपुर के थे, जब पाकिस्तान से जब जंग थी, जब फौजें इधर बढ़ रही थी, तो ऐसे खड़े हो गए थे यूपी का वो अब्दुल हमीद, उस शहादत का जाम पी लिया अब्दुल हमीद, उसको कहते थे भारतीय, वो कहता होगा जब चले गए होंगे, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात बंदे मातरम, वो थे अब्दुल हमीद यूपी के गाजीपुर के, उनको क्यों नहीं कहते तुम मुसलमान हो? उसको कहते ये भारतीय, हाँ मुसलमान है, एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा भारतीय, वो क्यों नहीं बनने की कोशिश करते? हम हमेशा कोई ऐसी आतंकवादी घटना होती है तो हम उसके लिए खड़े हो जाते, तो शक तो आएगा। तो मुजफ्फर राणा जैसे लोग सत्कार योग, जिनके आगे मेरा सिर झुकता है शुरू से, वो ऐसी बातों का इस्तेमाल करेंगे? राणा साहब मैं हाथ जोड़ के आपको कहना चाहूंगा, मैं भी तो एक आपकी तरह एक छोटा सा बच्चा हूं, आपकी उम्र में मैं बहुत छोटा हूं, मैं भी तो एक भारतीय हूं, मुझे कोई शक की निगाह पे नहीं देखता है, मुझे कोई नफरत की निगाह से नहीं देखता है, मुझे नफरत की निगाह से वही देखता है जो तिरंगे झंडे का अपमान करेगा, मुझे नफरत से वही देखता है जो खालिस्तान जिंदाबाद कहेगा, मुझे हमेशा गलत वो कहेगा जो हिंदुस्तान के खिलाफ होगा, मुझे वो हमेशा गाली देगा जो भारत को तोड़ना चाहता है, जो भारत को मजबूत रखना चाहता है, जो भारत मां से प्यार करता है, वो मुझे कभी गलत नहीं कह सकता, उसका आशीर्वाद उसका प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है, चाहे कहीं भी दूर बैठा हो। हम अपनी ऐसी पहचान बनाएं, आप तो समाज के आदर्श हैं, आप तो अच्छी शेरो शायरी करते हैं, आप शेरो शायरी करें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे की, आप ऐसी शेरो शायरी कवि सम्मेलन करें जो मातृभूमि के लिए कुर्बानी देने के लिए जज्बा पैदा करे, फौज में जाए, सुरक्षा फोर्सेज में जाए, ऐसा जज्बा पैदा आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे बयान देंगे हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, भाई कहां से मेरे से बहस कर ले, मैं उम्र में छोटा हूं, बहस कर ले, बता दें मुसलमान सुरक्षित है या नहीं है? ये हिंदुस्तान हमारा हक है, हमने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कभी माना नहीं, हमने मातृभूमि के साथ कभी हमेशा खिलवाड़ किया, हमने ये कहा ही नहीं ये मातृभूमि हमारी शक्ति है, बस यही रहता है, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, उसी में गड़बड़ हो गया। सर एक आखिरी सवाल आपसे लिए चलते हैं कि टेररिज्म पर जहां पूरे देश को एक साथ होना चाहिए,
लेकिन वहां पर राजनीति कहां तक जायज है, क्यों उस पर राजनीति? और ये हर बार सर, एक बार की बात नहीं है, जब भी ऐसी चीजें होती हैं इस पर राजनीति होने लगती है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता। देखो एक बात मैं कहूँ, ये जो 5-6-6-6-7 डिबेटें बंद होनी चाहिए, बड़े बड़े चैनलों के अंदर डिबेट होनी चाहिए, राष्ट्र के मुद्दे के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, नई जनरेशन को एक दिशा मिले, एक नई सोच मिले, एक आदर्श के रूप में काम की जाए, ऐसी डिबेट होनी चाहिए। ऐसी डिबेट नहीं होनी चाहिए कि पागलों की तरह हम चलाते रहे। हम भी कई बार पागलों की तरह चलाना शुरू कर देते, जब आगे से कोई गंद बोलता है, आगे से जो अलकायदा की मदद करता है, आगे से पाकिस्तान के लोग बैठ जाते हैं, आगे से हिंदुस्तान के हमारी फोर्सेज को बुरा भला कहते हैं, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमें भी अपने गले पाड़ने पड़ते हैं। मेरी हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनलों को हाथ जोड़ के निवेदन, ऐसे लोगों को बुलाएं जो राष्ट्र की बात करें, जो सेक्युलरिज्म की बात करें, खुल करके उनको वक्त मत दे, नहीं तो ये धीरे धीरे देश अंदर से खोखला हो जाएगा। ये काम चैनलों का काम है। आप भी तो सोशल मीडिया थे, आपने भी तो मेरे विचार लिए, आप भी तो मेरे विचार देखते, शायद इतने विचार उस चैनलों के अंदर मुझे ना देख पा रहे हो जो आपके चैनलों में चले जाते। आप अगर मैं गलत हूं, मेरे से गलत सवाल भी पूछते हैं, अगर आप दिखाते हैं मैं कोई सही बात बोलता हूं, लोगों को समझ में आता है, और अलकायदा के खुल करके मदद करते हैं, आतंकवादियों की मदद करते हैं, और सर्जिकल ऑपरेशन पे हम सवाल उठाते हैं, 370 धारा पे सवाल उठाते हैं, राम जन्मभूमि पे हम सवाल उठाते हैं, जनसंख्या के ऊपर हम सवाल उठाते हैं। ये हम समाज के आदर्श हैं। पॉलिटिशियन समाज का आदर्श होता है। आजादी से पहले, आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री तक, सरदार पटेल तक आदर्श थे, अब्दुल कलाम जी आदर्श थे, इस हिन्दुस्तान के एक नई सोच लाने वाले थे। आज आदर्श कहां है? अगर हम आदर्श ही तिरंगी झंडी लगा के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के मंत्री बन करके फिरका प्रस्ती का जहर और अलकायदा की मदद, जनसंख्या का विरोध करना, सर्जिकल ऑपरेशन का विरोध करना, 370 धारा का विरोध करना, तो फिर बताओ कहां तक जाए, देश कहां तक सुरक्षित है? हमें अगर प्रथम राष्ट्र को मजबूत करना है तो अपनी सोच हमें रखनी होगी, ना कुर्सी ना सत्ता, आज नहीं तो कल जाना है। ये आंख आज खुली है, अभी 2 सेकंड में बंद भी हो सकती है, ये सोचना है और अपने अंदर रखना है। प्रथम राष्ट्र मेरा धर्म, भारत मां मेरी जात, वंदे मातरम। जिस दिन हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ये नारा अपने अंदर अपने सीने पे रख लेगा, अपने ब्रेन में रख लेगा, मेरा धर्म भारत मां मेरी जात वंदे मातरम, इस देश के अंदर समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी, दुनिया में खत्म हो जाएंगी। सवाल सबसे बड़ा ये है, हम पॉलिटिशियनों ने ये समझ लिया कि हमारी उम्र 200 साल है, हम अगली 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 प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करो मातृभूमि की रक्षा की, प्लानिंग करो मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा की, प्लानिंग करो कि हमारा जवान, हम जहां सोते हैं वो रात को आपके लिए जागता है, हम कड़क धूप में सर्दी के दिनों में जब हम अंदर होते हैं हाथ हमारे खड़े होते हैं और वो जवान हमारे लिए जागता है, कि कभी उसके लिए हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने सोचा? बताइए कभी सोचा, किसी ने सोचा है, किसी ने कहा है तो मुझे बताइए। अगर कोई व्यक्ति इस देश के लिए सीमाओं की रक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो हमें क्या ऐतराज है भाई? आपकी लड़ाई आप लड़ो, मेरी तो कोई लड़ाई नहीं, मैं तो जो सही है मैं तो उसको सही कहूंगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एमएस बिट्टा जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। देखना काफी अहम होगा क्योंकि 7 महीने बाद चुनाव है और इससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बयान के बाद या मुनव्वर राणा के बयान के बाद राजनीति क्या कुछ करती थी। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, ओ न्यूज हिंदी, जय हिंद।